पूरी की पूरी बारात थाने पहुंच गई, मतलब दूल्हा और बाराती जो दुल्हन लेने जा रहे थे, पर नाराज होकर थाने में ही बैठ गए। नाराजगी भी थी पुलिस से। आपने नाराज बाराती, नाराज फूफा ये सब बातें तो सुनी ही होंगी, और हाल ही में आए वेब सीरीज पंचायत का दूल्हे वाला सीन भी देखा ही होगा। तो चलिए जल्दी से जानिए कि ये बाराती क्यों, कहां और किससे नाराज हो गए। दरअसल मध्य प्रदेश के रतलाम में एक पूरी बारात घोड़े पर बैठे दूल्हे के साथ थाने में घुस गई, जमकर हंगामा भी हुआ। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस ने शादी में जा रही बारात के डीजे को बंद करवा दिया। हमें मिली जानकारी के मुताबिक जहां से बारात निकल रही थी उस रास्ते के आसपास पुलिस अफसरों के घर भी हैं। डीजे से कई लोगों की नींद खराब हुई। तेज आवाज में डीजे बजने की अनुमति भी नहीं है। शोरगुल के चलते पुलिस ने डीजे को बंद करवा दिया। डीजे बंद होने से दूल्हा तो दूल्हा, सभी बाराती भी नाराज हो गए और पूरी बारात समेत थाने पहुंच गए। आप दूल्हे की बहन को सुनिए जो इस वक्त काफी भड़की हुई नजर आई। गाड़ी आ गई तो फिर हमने बोला सर क्या हुआ, तो बोले डीजे बंद है। तो सर डीजे बंद है तो हमने कभी सालू भी नहीं करे, और बाजना से शिवगढ़ से हमारे मेहमान आए थे सर, अब तो मेरा ऑर्डर रहते ना, वो गाड़ी आई ना हमारे को बोला डीजे बंद है। ठीक है, अभी आप किसके कहने पे थाने पे आए? किसके कहने पे नहीं आए सर, हमने बोला कि हमारा सर के पास जाए, उनके पास जाके बात करेंगे। बताया तो ये भी गया है कि नाराज दूल्हा जिद पर अड़ गया था कि खुद दुल्हन को पुलिस स्टेशन बुलाकर वहीं साथ फेरे दिलवाए जाए। पुलिस ने उन लोगों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन दूल्हा और बाराती अपनी जिद पर अड़े रहे। इतना सब हंगामा होने के बाद आखिरकार एसपी के मान मनोबल और अन्य बड़े अफसरों की समझाइश के बाद उसी रात डीजे बुलवाया गया, और रात 12 बजे दूल्हे के साथ बारात होमगार्ड कॉलोनी पहुंची, जहां शादी होनी थी। पुलिस की माने तो रात 10 बजे तक ही डीजे बजाने के निर्देश हैं, और निर्देशों का पालन करना चाहिए। खैर बाद में धीमी आवाज में डीजे बजाते हुए बारात निकली। पुलिस ने शादी में कोई रुकावट ना हो इस बात का पूरा ध्यान रखा, विनम्रता से काम किया, लेकिन ये मामला अब सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है।